फिरोजाबाद में आज एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के समय बुजुर्ग अपने गांव के बाहर बने ट्यूबवेल पर सो रहा था। तभी सुबह परिजनों ने बुजुर्ग को जाकर देखा तो बुजुर्ग महेंद्र सिंह को मृत पाया, जिसकी सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। आनंद फानन में पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मामला फिरोजाबाद थाना खेरगढ़ के गांव नगला हिम्मत का है। महेंद्र सिंह नामक 60 वर्षीय बुजुर्ग शाम को खाना खाकर प्रतिदिन की भांति ट्यूबवेल पर सोने चला गया। तभी रात में अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी। जब परिजन सुबह बुजुर्ग के पास ट्यूबवेल पर पहुंचे तो महेंद्र सिंह को मृत देखकर सबके होश उड़ गए। परिवार में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना तत्काल क्षेत्रीय पुलिस को दी गई। क्षेत्रीय पुलिस के साथ साथ जनपद के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, साथ ही एसओजी की टीम आदि घटना की छानबीन में लग गई। वहीं एसएसपी का कहना है कि परिजनों ने कुछ लोगों के नाम बता किस तरह का यहां नगला हिम्मत में नगला हिम्मत गांव में सुबह ये करीब 6:30 बजे सूचना आई, 6:30 बजे कि गांव के ही एक महेंद्र सिंह है, जिनकी उम्र करीब 60-62 वर्ष है, वो वृद्ध व्यक्ति हैं। तख्त पर ट्यूबवेल के पास वो सो रहे थे और किसी ने रात्रि में इनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। इनकी गर्दन पे धारदार हथियार से चोट है और इनकी तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर जो भी पुलिस कार्रवाई है की गई है। गिरफ्तारी हुई है, अभी तहरीर लिखी जा रही है और ये कुछ लोगों को नामजद कर रहे हैं, गिरफ्तारी इसके बाद की जाएगी। अग्रवाल लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, ईद और रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की ओर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मदनलाल वर्मा, प्रांतीय मंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, अपने फरियाबाद नगरवासियों को स्वाधीनता दिवस, बकरीद, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं कि फिरोजाबाद वासियों को शीघ्र ही गंगा जल प्राप्त हो और शहर के अंदर शांति के साथ सारे त्योहार मनाए जाएं। धन्यवाद।